आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इसको हम से पूछ रहा है, कार ऑफ मास m ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ v मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कार डिस्क्राइब्स अ सर्कल ऑफ रेडियस r। If 2a the separation of the inner and outer wheels and h is the height of center of mass above the ground, so that the limiting speed beyond which the car will overturn in is given by v square is equal to gra divided by h। देखिए गाइस क्या बोल रहा है, ये हमारे पास एक ये कार है, ठीक है। कार को पीछे से देख रहे हैं तो ऐसे दिख रही है, ठीक है। और इस पे ये इसके दो व्हील्स हैं और जो दोनों व्हील्स के बीच का जो सेपरेशन है वो 2a दिया हुआ है, ठीक है। और ये भी बोल रहा है कि जो सेंटर ऑफ मास की जो हाइट है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो h है, ओके okay? और ये क्या है, ये गाइस ये जो कार है वो एक जो है सर्कुलर मोशन एक तरह से कह सकते हैं डिस्क्राइब कर रही है, क्योंकि ये जो एक टर्न हो रही है एक तरह से कह सकते हैं कि जैसे हम लोग कहीं भी बाइक लेके या फिर फोर व्हीलर लेके अपना टर्न होते हैं तो वो वहाँ पे क्या होता है, एक सर्कुलर ट्रैक होता है। तो बिल्कुल वही सिचुएशन यहाँ पे भी है और बोल रहा है कि हमें वो स्पीड बतानी है जिसके बाहर जाने पे, मतलब जिसके बियॉन्ड जाने पे ये कार जो है ओवरटर्न हो जाए। जैसे मान लीजिए कि ये कार जो है अगर ऐसे टर्न हो रही है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक ट्रैक बनाऊँ ऐसे, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा ट्रैक ऐसे है और हमारी कार इस पर ऐसे चल रही है, ठीक है, ऐसे। तो अगर मैं इस पे अगर ऐसे टर्न होता हूँ तो फिर अगर मेरी स्पीड ज़्यादा होगी तो फिर मैं किधर की तरफ टर्न हो जाऊँगा, ओवर टर्न हो जाऊँगा। मेरी बाइक जो है या फिर मेरा फोर व्हीलर जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ओवर टर्न हो जाएगा, ओके गाइस। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, बोल रहा है कि हमारी कार जो है वो ओवर टर्न हो जाएगी उस स्पीड के बियॉन्ड जो हमें बताना है, ठीक है, हमें वो स्पीड वी बताना है जिसके बियॉन्ड जाने पर हमारी कार क्या हो जाएगी, ओवर टर्न हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग एक सिचुएशन लिख सकते हैं, यहाँ पे N1 लग रहा है और यहाँ पे N2 लग रहा है, तो N1 प्लस N2 क्या होगा, mg के बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं N1 प्लस N2 इज इक्वल टू mg, ये सिचुएशन सेटिस्फाई होगा, ओके। और अगर ये कार जो है इस पर ये एक सर्कुलर मोशन, जैसे ये एक सर्कुलर मोशन कर रही है तो इस पर बाहर की तरफ एक mv² भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mv² / r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं F1 प्लस F2 इज इक्वल टू mv² / r, क्योंकि हमें रेडियस यहाँ पे r दिया हुआ है, जिस रेडियस का वो सर्कल डिस्क्राइब कर रहे हैं उसका रेडियस क्या है, r दिया हुआ है। v हमने वो वेलोसिटी मान ली है जिसके बियॉन्ड क्या है कार हमारी ओवर टर्न हो जाएगी, ओके गाइज। ओवर टर्निंग की कंडीशन में जैसे जस्ट मान लीजिए कार जो है ओवर टर्न होने ही वाली है, अभी हुई नहीं है, ठीक है, जस्ट ओवर टर्न होने वाली है, यानी ये पहिया जो है बाहर की तरफ ओवर टर्न होगी, इसका मतलब ये पहिया क्या है, ये इसका जो ये वाला पहिया है वो क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, ये वाला पहिया उठ जाएगा, इसका मतलब क्या गाइस, N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कॉन्टेक्ट जस्ट छूटने वाला होगा या फिर छूट चुका होगा ये कह दीजिए, ठीक है। तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर N1 की वैल्यू 0 हो गई तो F क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है μ × N। अगर N1 इज इक्वल टू 0 हो गया एम्प्लाइज F1 इज इक्वल टू V0 हो गया, ठीक है। N1 इज इक्वल टू 0 हो गया इम्प्लाइज क्या हो गया गाइस, F1 इज इक्वल टू V0 हो गया, यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू mg एंड F2 इज इक्वल टू mv² / r, ओके। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो हमारी कार है उसका फिगर फिर से बना लेते हैं ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए, कार का फिगर बना लेते हैं, देखिए ये हमारी कार है, ठीक है, ये पीछे से देखने पे कुछ ऐसी दिखेगी, ओके। और सिचुएशन ऐसी है गाइस कि ये जस्ट पलटने वाली है, इसका मतलब कि यहाँ पे फोर्स लग ही नहीं रहा है, फोर्स कहाँ लग रहा है, सिर्फ यहाँ पे, ओके। तो मैं इस पॉइंट पे ही सारे फोर्सेस दिखा रहा हूँ, देखिए इस पॉइंट पे एक तो लग रहा होगा ऊपर की तरफ नॉर्मल, ठीक है, इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ मैं फोर्सेस दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इस पॉइंट पे एक ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल, दूसरे कलर से दिखाते हैं इसको ताकि क्लैरिटी आए थोड़ी सी, देखिए इस पॉइंट पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल, ये ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा नॉर्मल N2, और एक अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा गाइस, अंदर की तरफ इस पे लग रहा होगा फ्रिक्शन, ऐसे
इसको अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन, इसको अंदर की तरफ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन क्योंकि F1 की वैल्यू जीरो हो गई है, F2, ओके। तो इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो सेंटर ऑफ मास के डायरेक्शन में आएगा, यानी यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में आएगा कुछ इसका रिजल्टेंट जो होगा, ओके। और जो ये एंगल होगा, ये इसको हम लोग कहते हैं थीटा, इसको हम लोग थीटा कह देते हैं। तो हम लोग ये बात जानते हैं कि ये वैल्यू जो दी गई है, ये वैल्यू, इसकी ये वैल्यू कितनी दी गई है, ए दी गई है, और ये जो सेंटर ऑफ मास की हाइट दी गई है यहाँ से, वो कितनी दी गई है, एच दी गई है। तो डेफिनेटली अगर मैं फोर्स में रिलेशन लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ टेन थीटा इज इक्वल टू, देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस टेन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन और नॉर्मल के टर्म्स में लिखे हैं, तो फ्रिक्शन क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है इधर की तरफ और नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ, यानी टेन थीटा की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी F2/N2 ऐसा लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू और किसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू A/H के बराबर होगी, क्योंकि A क्या है, परपेंडिकुलर है, और H क्या है, बेस है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A/H, ओके। F2 और N2 की वैल्यू अगर हम लोग पुट करें, यहाँ से देखिए F2 और ये N2, F2 और N2 की वैल्यू अगर पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, mv²/r, और N2 की वैल्यू कितनी आएगा, N2 की वैल्यू है mg, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी A/H के बराबर। यहाँ से देखिए ये m इस m को तबाह कर देगा और हमें यहाँ से v² = मिल जाएगा RgA/H, ठीक है गाइज, RgA/H ये हमें मिल जाएगा v² की वैल्यू। और यही सिचुएशन देखिए शुरू में दिया हुआ है, v² = RgA/H, यानी हमें यही प्रूव करना था कि अगर हमारी कार जस्ट ओवर टर्न होने वाली है तो v² = GRA/H ये सेटिस्फाई होना चाहिए, और हमने ओवर टर्निंग वाली ही कंडीशन ली है, ओवर टर्निंग वाली कंडीशन पे ही गाइज N1 की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि ये वो ओवर टर्न होगा तो क्या होगा, जस्ट यहाँ पे नॉर्मल जीरो होने वाला होगा, ओके। और उसी सिचुएशन में हमने क्या ये आंसर फाइंड किया है, यानी जो हमने सोचा सीखा समझा वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ये हमने प्रूव कर लिया है। होप आपको समझ में आया होगा, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।